मायावती ने काटा टिकट तो नाराज नेता ने थामा अखिलेश यादव का हाथ, डिंपल यादव के नामांकन में पहुंचे। लोकसभा इलेक्शन 2024 के बीच बहुजन समाज पार्टी को बड़ा झटका लगा है। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से बसपा ने मंगलवार को शिव प्रताप यादव को मौका दिया है। सपा मुखिया अखिलेश की पत्नी और मैनपुरी से सपा प्रत्याशी डिंपल यादव के खिलाफ बसपा ने प्रत्याशी बदल दिया है। गुलशन देव साकी का टिकट काटकर शिव प्रसाद यादव को चुनाव मैदान में उतारा है। इससे पहले पार्टी ने गुलशन साकी को प्रत्याशी बनाया था। हालांकि टिकट कटने के बाद गुलशन ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया और सपा प्रत्याशी डिंपल यादव के नामांकन में भी पहुंचे। नामांकन के बाद प्रेस वार्ता में अखिलेश यादव ने गुलशन साकी का टिकट जाने पर प्रतिक्रिया भी दी। उन्होंने कहा कि गुलशन अपने समाज के लिए काम करना चाहते थे। उन्होंने आरोप लगाया कि बसपा ने भारतीय जनता पार्टी के दबाव में प्रत्याशी बदला है। डिंपल के नामांकन के बाद एक प्रेस वार्ता में अखिलेश ने यह भी कहा कि बीजेपी कोविड वैक्सीन का बहुत प्रचार कर रही थी, लेकिन उससे भी पैसा लिया गया। सपा प्रमुख ने कहा कि खबरें और आंकड़े आ रहे हैं कि उसके अनुसार बेरोजगारी चरम पर है। कन्नौज का ब्रजपाल जिसने आत्महत्या कर ली थी, उसने डिग्री जलाकर आत्महत्या कर ली थी। यूपी के पूर्व सीएम ने कहा कि जो विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, उनके शासन में 1,00,000 किसानों ने आत्महत्या की। ये वही है जो किसानों के लिए काले कानून ला रहे थे। किसानों की किसी फसल के दाम दोगुने नहीं हुए। चौधरी चरण सिंह ने जिसके लिए संघर्ष किया, क्या एमएसपी को कानूनी अधिकार दिए? अभी तक 10 बार पेपर लीक हो चुके हैं। ये आरक्षण नहीं देना चाहते, इसलिए पेपर लीक करवाते हैं। दूसरी ओर सपा प्रत्याशी डिंपल यादव ने एसपी के सीएम मोहन यादव और बसपा प्रत्याशी शिव प्रसाद यादव के सवाल पर कहा कि मैं समझती हूँ विपक्ष वोट काटने के हथकड़े अपनाने में भाजपा जुटी है, मगर मैनपुरी की जनता तैयार है। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के सिंपति वोट पर डिंपल ने आगे कहा कि ये सिंपति की नहीं भावनाओं की बात है, जिसे भाजपा कभी समझ नहीं पाएगी। डिंपल के नामांकन के दौरान रामगोपाल यादव, शिवपाल सिंह यादव समेत कई नेता मौजूद रहे। मैनपुरी लोकसभा चुनाव में तीसरे चरण में मतदान होगा।